अब जेआर वॉरियर्स की तरफ से अगले बैट्समैन आए रेजो। तो अब एक और धाकड़ प्लेयर की एंट्री होती हुई, चौथी ओवर की दो गेंदे बची हुई है। रेजो आगे आगे खेल दिया है, वहां पर डीप में फील्डर मौजूद, दो रन लेने की कोशिश। अच्छा थ्रो था, बहुत ऊपर था, लेकिन अच्छा बैकअप किया है यहां पर विकेट कीपर ने, दो रन में रुका दिया है बैट्समैन को। और ये यहां पर एक डेड बॉल, इस पर अच्छी फील्डिंग है, ये यहां पर एक और रन आउट, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर। नहीं चलेगी, प्लीज कोऑपरेट करें अशफाक मामू, जल्द से जल्द अंपायर साहब को यह बात का ध्यान देना है कि आपको मैच जल्द से जल्द शुरू करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक मैच डिले में चल रहे हैं, एक मैच से ज्यादा हो जाती थी अब तक डिले में चल रहा है, तो तीन मीटिंग्स अवॉइड करना है जितना हो सके। आबिद भाई प्लीज कोऑपरेट करो, गेंदबाजी करने आए हैं गेंदबाज इस्माइल। अपनी टीम के लिए आखिरी ओवर लेके आए इस्माइल, उनका सामना करेंगे रेजो, देखना है अपनी टीम का स्कोर कहां तक लेके जाते हैं रेजो। और ये आगे आके फुल पे लिया और ये कैच ड्रॉप, यहां पर इमिटी दो रन लेने की कोशिश और दूसरा रन लेने में आउट। स्माइल की अगली गेंद रेजो के लिए, आगे आके फुल पे लिया है, वहां पर कैच ड्रॉप और इन बिटवीन दो रन लेने में कामयाब रेजो। पांचवी ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर 35 रन, पांच विकेट के नुकसान पे 35। तो चार रन जो पेनल्टी के वो लास्ट में ऐड किया जाएगा। फिर से आगे आके खेला है यहां पर रेजो ने, बहुत ही अच्छा शॉट जब तक फील्ड के, अच्छा थ्रो लेकिन इतनी अच्छी तालमेल हमजा की, दो रन लेने में कामयाब बैट्समैन। फिर से आगे आके डाउन द ग्राउंड खेला, वहां पर डीप में फील्डर मौजूद, दो रन लेने की कोशिश, मिसफील्ड और मिसफील्ड का नतीजा दो रन पूरे, तीसरा रन भी हो सकता था लेकिन रेजो बहुत आगे निकल चुके थे, टीम का स्कोर आगे बढ़ के 39 रनों पे पहुंच गया है। अब केवल दो गेंद बाकी है इस ओवर के। फिर से आगे आके डाउन द ग्राउंड, वहां पर डीप में फील्डिंग अंपायर का इशारा, मिस फील्ड हुए, मिस फील्ड का नतीजा चार रन।
टीम का स्कोर जम करके 43 रनों पे पहुंच चुका है, 43 रन्स ऑन बोर्ड। वन टू गो एम्पायर। अभी कहाँ किया? 43 रन ही बता, 43 ही बता रहे ना। फिर से इस बार फुल पे लिया, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर, अंपायर का इशारा 6 रन। वो है 54। अब देखना होगा किस तरीके से इस गेम को आगे बढ़ाती है बैट। तो टॉस के लिए दोनों टीम के कैप्टन को आना है, आरसीबी वर्सेस नाइट राइडर्स। आरसीबी ये अगले मैच का अनाउंसमेंट कर रहे हैं नासिर। आरसीबी आपको टॉस के लिए आना है। आरसीबी वर्सेस नाइट राइडर्स कैप्टन, तो नाइट राइडर्स के कैप्टन आ चुके हैं उमर बड्डी साहब के हाथों से ये टॉस किया जाएगा। बाइक मार्ट के ओनर उमर बड्डी साहब के हाथों से ये कीमती टॉस होने जा रहा है, आरसीबी बनाम नाइट राइडर्स। तो एक बार और सिनान नाचन वर्सेस, तो टॉस जीता है नाइट राइडर्स ने, पहले फील्ड करने का फैसला किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लौट चलते हैं मैच की तरफ। अंपायर्स प्लीज फील्ड को सजाना है, ओवर टू अश्विन। तो कुछ ही देर में नासिर रन चेस शुरू होने जाएगा, बैट ब्लास्टर को केवल 30 गेंदों में 54 रन बनाना है अगर ये मैच जीतना है। तो बैट ब्लास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से अपने ओपनिंग बैट्समैन के साथ तैयार हो जाइए, जल्दी से भेज दीजिए अपने ओपनिंग बैट्समैन। देखना है जेआर वॉरियर्स क्या करते हैं, कैसे रुका पाते हैं बैट ब्लास्टर को ये 54 रन मारने से। केवल 30 गेंदों में 54 रन चाहिए बैट ब्लास्टर को अगर ये मैच जीतना है। तो जल्दी से मैच स्टार्ट करने की गुजारिश करता हूँ, यहाँ पर दूसरी इनिंग जल्दी से शुरू करना है। बैट ब्लास्टर की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन आए आसिर, जिनका साथ दे रहे आबिद भाई, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे। जे आर वॉरियर्स की तरफ से पहले ओवर लेके आ रहे महफूज, उनका सामना करेंगे आसिर। पहली बॉल फाइन लेग के रीजन में खेल दिया है और इसी के साथ आसिर ऑफ द मैच अपनी टीम के साथ में, रन चेस शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ फराद भी जुड़ चुके हैं, वी वेलकम यू फराद। एक मिनट रुक जाना है महफूज। वापस से सब अंडो कर ना, सब अंडो कर। समझ में आ रहा है
एक बॉल पांच रन कैसे आ गया? तो फिर इसको अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि जो एक एक रन रहेगा उसको डॉट देना पड़ेगा। क्यों? चार रन ऐड हो गए ना, अब वो वापस नहीं जा सकता ना। कुछ तो होगा ना, तुमको कोई यार किसी का सपोर्ट चाहिए क्या? ठीक है चल अपन कर लेंगे। किसका और को बुलाऊं? नहीं नहीं वो खिलाड़ी हो, एडिट कर दो एक मिनट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे वो चार रन तुम लोग के जो ना बैटिंग में भी ऐड हो गए, डबल ऐड हो गए, चार चार रन उसमें भी। चलो समझ लेंगे ना, वो डॉट बॉल पे गिन लूंगा ना तुम लोग का चार रन, उसको डॉट बॉल कर दूंगा एक एक रन जो लेंगे ना। चार रन अभी जो अगर सिंगल सिंगल आए तो एक रन कोई मतलब नहीं है। कोई तू जैसा बोलेगा मोहम्मद वैसा फ्लो हो जाएगा ना, ये रन रेट में प्रॉब्लम हो जाएगा ना। डॉट बॉल कितना? नहीं नहीं नहीं, हां डॉट बॉल आ नहीं, रन रेट में रेट रेट में चार एक जगह ऐड हो गए, चार इधर भी ऐड हो गए। नहीं नहीं डॉट बॉल कम दो उतना बॉल हो, मेरा रन रेट कम हो गया। हां मेरे फर्क गिरेगा ना।
इस बार फुल टॉस बॉल, ज्यादा कोई फायदा नहीं उठा पाए, एक ही रन लिया है और इस एक रन के साथ पहला ओवर पूरा हो चुका है। एक ओवर पूरा होने के बाद केवल चार रन हुए रन चेस में बैट ब्लास्टर के, खेल रहे हैं अगेंस्ट जे आर वॉरियर्स। एक ओवर की समाप्ति, कुल टोटल है चार रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बैट ब्लास्टर। धीमी शुरुआत बैट ब्लास्टर की, तो बची हुई 24 गेंदों में जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत यहां से बैट ब्लास्टर को। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है, नया गेंदबाज नागेश को गेंदबाजी पर लगाया गया है। पहली गेंद अच्छी गेंद, भाई अच्छा स्ट्रोक, एक लाइन लिया दूसरे के लिए जाना चाहते है, खतरा हो सकता था लेकिन बच गए बल्लेबाज आशीर। दो रन, दो रन की मदद से स्कोर 6 रनों पर जा पहुंचा है। अगली गेंद अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक लेकिन हमजा मौजूद, आबिद की पारी समाप्त। लगने वाला बैट ब्लास्टर को पहला झटका है आबिद मलवी के रूप में, अच्छी कैच हमजा द्वारा। नए बल्लेबाज उसामा बल्लेबाजी के लिए आए, अब यहाँ से देखना होगा कि कितनी योगदान देते उसामा अपनी बैटिंग में। अच्छी गेंदबाजी की थी उसामा ने अपने ओवर में, तो वह अच्छी गेंद टपका खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, यही कारण था कि उसामा समझ नहीं पाए डॉट गेंद। तो फिर से अच्छी गेंद, बल्ले का अंदरून सिरा लेकर नो मैन जोन में, एक ही रन आएगा इस गेंद पर। इस एक रन की मदद से कुल टोटल है 7 रन, दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ। अगली गेंद अच्छी गेंद लेकिन उतना ही तेज स्ट्रोक, एक लिया एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की, तौसिफ भाई सामना करेंगे उसामा, 8 रन। तो अच्छी गेंद, फिर से काटा बदला था गेंद ने और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति, कुल टोटल है 8 रन, एक विकेट के नुकसान पर बैट ब्लास्टर्स। आठ रन हुए हैं, दो ओवर पूरे हो चुके हैं, अब केवल 18 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है अगर ये मैच जीतना है तो। इन जस्ट 18 बॉल्स 46 रन्स टू विन दिस मैच टू बैट ब्लास्टर्स। तीसरी ओवर लेके आ रहे हैं उजैर, सामना करेंगे आसिर। इस बार लेग साइड में खेला हुआ शॉट, एक रन डिक्लेयर। टीम का स्कोर 9 रन पे पहुंच गया है। तीसरे ओवर का एक बॉल हो चुका है, एक वाइट बॉल यहां पर, टीम का स्कोर आगे बढ़ के 10 रनों पे पहुंच चुका है। एक हो गया ना, एक
एक और इशारा अंपायर का, दो कंसेक्यूटिव व्हाइट बॉल, टीम का स्कोर आगे बढ़ के और यहाँ पर देखना अंपायर का क्या इशारा होता है। दो रन पूरे कर चुके हैं, टीम का स्कोर जंप करके 13 रनों पे पहुंच चुका है। दूसरा ओवर प्रोग्रेस में है, और इस बार डाउन द लेग साइड देखना अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। इस बार यहां पर अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दो रन ले चुके हैं, एक रन कम ना अभी खाली। टीम का स्कोर आगे बढ़ के 16 रनों पे पहुंच चुका है, बॉल तीन हो चुके हैं इस ओवर के, अगले तीन बॉल बाकी है। इस बार अंपायर का इशारा, एक और व्हाइट बॉल। अब सब गिनना है, 17 हो गए ना, बराबर ना, हाँ हो गया बराबर 17 रन। एक और यहां पर देखना है अंपायर का इशारा क्या होता है, लेग साइड की बॉल थी, अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, 18 रन हो चुका है। तीसरा ओवर प्रोग्रेस में, रन चेस में बैट ब्लास्टर का, एक विकेट के नुकसान पे। इस बार अच्छा शॉट है यहां पर, और देखने अंपायर का इशारा क्या होता है, 4 रनों के ले जाते हैं, बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर, कोई चांस नहीं था फील्डर्स के लिए यहां पर। टीम का स्कोर जंप करके 22 रनों पे पहुंच चुका है इस रन चेस में, अब केवल 14 गेंदों में 32 रन चाहिए अगर ये मैच जीतना है तो बैट ब्लास्टर्स को। और ये देखना है क्या अंपायर का इशारा होता है, और एक और झटका यहां पर बैट ब्लास्टर्स को, आउट कॉट बिहाइंड बाय विकेट कीपर रेजो, दो विकेट जा चुके हैं। तीसरे ओवर का आखिरी बॉल बाकी है, अब केवल 13 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है ये मैच जीतना है तो बैट ब्लास्टर को। अगले बैट्समैन आए सुफियान, मारने की कोशिश थी बॉलर के ऊपर से, और देखना अंपायर का डिसीजन क्या होता है यहां पर। अंपायर को डिसीजन लेने दीजिए प्लीज, अंपायर डिसीजन लेंगे, यहां पर अंपायर दोनों मौजूद हैं, देखना अंपायर क्या डिसीजन लेते हैं। बैट्समैन अंपायर डिसीजन लेंगे, प्लीज वेट कीजिए, बैट्समैन बॉलिंग टीम प्लीज वेट कीजिए। और यहां पर एक और झटका यहां पर बैट ब्लास्टर को, आउट कर दिया अंपायर ने। इसी के साथ तीन ओवर पूरे हो चुके हैं, तीन ओवर के बाद केवल 22 रन हो चुका है इस रन चेस में बैट ब्लास्टर का। अब जीत के लिए केवल 12 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है मैच जीतना है तो बैट ब्लास्टर को, चौके और छक्कों की जरूरत है अगर ये मैच जीतना है तो बैट ब्लास्टर को अब अगले 12 गेंदों में। बची हुई 12 गेंदे, 32 रनों की जरूरत यहां से बैट ब्लास्टर को इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज इस्माइल अलवी आया और अभी भी क्रीज पर आसिफ मौजूद। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कल अश्विन ने क्या पारी खेली थी टीम सुल्तान के सामने, उनमें यह काबिलियत है रन बनाने की, लेकिन एक अच्छे गेंदबाज, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सऊद भी एक बड़े गेंदबाज है, पहली हैट्रिक पूरी की थी इस टूर्नामेंट की, और पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद। तो अगली गेंद हटकर खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हो गए आशीर, आउट होकर जा रहे हैं डगआउट में। ये लगने वाला बैट ब्लास्टर को चौथा झटका है, बची हुई 10 गेंदे, 32 रनों की जरूरत यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज अशफाक मामू आए बल्लेबाजी के लिए, जिस तरह से जादुई गेंद करी है अब उस तरह से जादुई बल्लेबाजी करनी होगी अशफाक मामू को। पहली गेंद साउथ की खींच कर मारने की कोशिश, फिर से क्लीन बोल्ड हो गए, इस मरतबा मामू थे
एक बार फिर से सऊद हैट्रिक पर आ गए, क्या दूसरी हैट्रिक पूरी करेंगे सऊद इस टूर्नामेंट की? अभी क्या बोला मालूम है, बोले तो देखना ये बीटीएल की दूसरी हैट्रिक लेते हैं क्या सऊद, बस एक बॉल दूर। पांच विकेट जा चुके हैं 22 रन पे बैक ब्लास्टर के इस रन चेज में। अभी हैट्रिक बॉल है सऊद का, सामना करेंगे फराज। हैट्रिक गेंद सऊद की, सामना करेंगे बल्लेबाज फराज। अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान देकर खेला, जानते थे कि हैट्रिक गेंद है। और एक डॉट गेंद बची, 8 गेंदों में 32 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए बैट ब्लास्टर को। अच्छी गेंद, देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। डॉट गेंद, वाइट गेंद है बिल्कुल, अंपायर बहुत लेट इशारा दिए, वाइट गेंद। तो इस वाइट की मदद से स्कोर 23 रन, अब 8 गेंदों में 31 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। मतलब खींच कर मारने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, डीप में खेला हुआ वहां पर शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। और इस एक रन के जरिए 4 ओवर पूरे हो चुके हैं। 4 ओवर पूरे होने के बाद टीम का स्कोर लीड कर रहा 25 रन। अब केवल 6 गेंदों में 29 रन चाहिए अगर ये मैच जीतना है तो। अब केवल 6, हर बॉल पे 6 और एक आधी 4 ही बचा पाएगा बैट ब्लास्टर को। देखना है क्या करते हैं बैट ब्लास्टर के बल्लेबाज, क्या अपनी टीम को जीत दिलवा पाएंगे और क्या जेआर वॉरियर्स इनको रुका पाएंगे। केवल 6 गेंदों में 29 रन अगर ये मैच जीतना है तो बैट ब्लास्टर को। बॉलर आए फाइनल ओवर करने के लिए, हमजा। सामना कर रहे इस्माइल, अच्छे से टैप किया यहाँ पर फराज ने, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया था लेकिन पहुंच गए फाइनल स्ट्राइकर एंड पे। अब केवल 5 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है मैच जीतना है तो। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर फील्डर्स को स्पेक्टेटर बना दिया, 6 रनों के लिए जाते हुए फराज की बैट से आता हुआ डीप मिड ऑफ में खेला हुआ 6। अगली बॉल डाउन द ग्राउंड खेला वहां पर डीप मिड ऑफ, मिड ऑन में फील्डर मौजूद, इस बार एक ही रन मिलेगा। अब केवल 3 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है मैच अगर जीतना है तो। फिर से मार दिया है वहां पर कैच आउट डीप मिड ऑन में, कैच आउट लो के पवेलियन लौटते हुए स्माइल। अब केवल 2 ही गेंद बची है और ये फाइन लेग डिवीजन में खेला है, एक ही रन मिलेगा। अच्छी कीपिंग है यहाँ पर रेजो की। अब मैं बोल सकता हूं कि केवल 1 गेंद दूर है जेआर वॉरियर्स। और ये इस आखिरी बॉल के विकेट के साथ में जेआर वॉरियर्स ने ये मैच जीत लिया है।
और रेहान बड्डी से मैं आवाज लगाऊंगा आपको हमारे यहाँ पे वीआईपी डाइस के पास आना है और ये मैन ऑफ द मैच उजैर को देना है। उजैर प्लीज कम फॉरवर्ड। तो नाइट राइडर फील्डिंग लगा ले तब तक अपनी। आज जरा भी टाइम मत लगाओ, मैच शुरू करना है। अंपायर मैच शुरू, हम लोग यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। मैच शुरू करना है, ओपनर भेज दे प्लीज। तो मैन ऑफ द मैच उसर उमर भाई के हाथों से दिया जाएगा ये मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय अनम काजी। सबसे पहले कार क्लब के अंपायर्स मैच शुरू कर दे। वॉच स्पॉन्सर्ड बाय साहिल लाचन ऑटो प्लस। वाटर बॉटल स्पॉन्सर्ड बाय सीमान कास्कर ऑटो प्लस। बैग स्पॉन्सर्ड बाय गुड्डू सैयद सिविल इंजीनियर। उसके बाद फ्री